हे गाइस, दिस इज आरिफ मोहम्मद। वेलकम बैक टू आवर चैनल एके सर केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री में आज हम बात करेंगे कोलॉइड्स के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड्स के लिए भी, कॉम्पिटिशन्स के लिए भी, तो बने रहिए हमारे साथ में। कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कोलॉइड्स से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं। कोलॉइड्स, टॉपिक है हमारा कोलॉइड्स। देखिए, ध्यान दें, कोलॉइड्स के बारे में सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो किसने दी थी? थॉमस ग्राहम ने कोलॉइड्स के बारे में सूचना दी थी। क्या इन्फॉर्मेशन दी थी? देखिए, थॉमस ग्राहम ने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, एक एनिमल मेम्ब्रेन ले ली थी। क्या ले ली थी? एनिमल मेम्ब्रेन। ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या देखा कि सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, इसे गोंद ले लिया, गोंद, जिलेटिन, इस तरह के पदार्थ लिए। तो इन्होंने क्या देखा, जब गोंद को इस झिल्ली में से हम विसरित कराने की, इसमें से गमन करवाने की, मूवमेंट की जब हम कोशिश करते हैं, तो गोंद इस झिल्ली के आर पार नहीं जाता है, इस झिल्ली में से विसरित नहीं होता है, गोंद नहीं होता है। जिलेटिन लिया तो जिलेटिन भी इस झिल्ली को क्रॉस नहीं कर पाता है। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड टाइम इन्होंने क्या लिया, जैसे शुगर ले लिया, NaCl ले लिया, इनका जलीय विलयन लिया, इनका क्या लिया, एक्वस सॉल्यूशन। तब इन्होंने क्या पाया कि ये सॉल्यूशन इस झिल्ली को पार कर जाते हैं। ध्यान दें, गोंद और जिलेटिन लिया था तो वो इस झिल्ली को पार नहीं कर पा रहे थे, एनिमल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पा रहे थे, जबकि शुगर और NaCl है वो इस एनिमल मेम्ब्रेन को पार कर पा रहे थे। एनिमल मेम्ब्रेन, जांतव झिल्ली। इसी के आधार पर ग्राहम ने जो पदार्थ है उनकी दो कैटेगरी में इनको क्लासिफाई करा। उन्होंने कहा कि जो इस एनिमल मेम्ब्रेन को पार कर जाते हैं, लाइक दीज, ये इस एनिमल मेम्ब्रेन को पार कर पा रहे हैं, तो इसे ग्राहम ने कहा था क्रिस्टलॉइड्स। इसके लिए वर्ड क्या काम में लिया था? क्रिस्टलॉइड्स। ग्राहम ने इन्हें कहा था क्रिस्टलॉइड्स। और जो इस एनिमल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें ग्राहम ने कहा था कोलोइड। बात आ रही है समझ में? तो ग्राहम क्या कह रहा है कि जो एनिमल मेम्ब्रेन पार कर रहे हैं वे क्रिस्टलॉइड्स हैं, और जो पार नहीं कर रहे हैं वे कोलॉइड्स हैं। तो ग्राहम ने एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन दे दिया कि जो कंपोनेंट्स या जो सॉल्यूशन इस एनिमल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे वे तो है कोलॉइड, और जो नहीं क्रॉस करेंगे वे है क्रिस्टलॉइड्स। ये बात ग्राहम ने बताई थी। पर ग्राहम का ये क्लासिफिकेशन पूरी तरह से सही नहीं साबित होता है जब आगे कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। क्या एक्सपेरिमेंट थे? देखिए, सबसे पहले अपन ये डिफाइन कर देते हैं कि ग्राहम क्या कह रहा है। वे पदार्थ जो जांतव झिल्ली में से विसरित हो जाते हैं क्रिस्टलॉइड्स कहलाते हैं, और जो जांतव झिल्ली में से विसरित नहीं होते हैं कोलॉइड्स कहलाते हैं। पर ग्राहम का ये क्लासिफिकेशन कम्प्लीटली सही साबित नहीं हुआ था, प्रूव नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पे NaCl सॉल्यूशन का। NaCl, अपन ने पदार्थ क्या ले लिया, NaCl। NaCl का सबसे पहले हम सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में। NaCl का सॉल्यूशन किस में बनाया? वाटर में, जल में इसका आपने विलयन बनाया। तो NaCl का जलीय विलयन जांतव झिल्ली में से क्रॉस हो जाता है, यानी रिएक्ट करता है क्रिस्टलॉइड के भांति, क्रिस्टलॉइड। जबकि इसी NaCl को जब हम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं, क्या पहले किस में डिसॉल्व किया हमने, वाटर में, और अभी किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, बेंजीन में। जब हम इसे बेंजीन में घोलते हैं तो यही NaCl का सॉल्यूशन किसकी भांति रिएक्ट करता है, कोलोइड की भांति रिएक्ट करता है। फर्स्ट कंडीशन।
NaCl को पहले आपने किस में डिसॉल्व किया, वाटर में, तो ये क्रिस्टलोइड की भांति व्यवहार कर रहा है, और इसी NaCl का बेंजीन में जो विलयन है वो कोलोइड की भांति व्यवहार कर रहा है, ये वाला विलयन। इसके अलावा हम साबुन के झाग की बात करते हैं, साबुन के झाग, फोम ऑफ सोप, फोम ऑफ सोप या साबुन के झाग ही लिख दूं मैं यहाँ पे, साबुन के झाग, ठीक है। तो साबुन के इन झाग की मैं बात करूं तो साबुन के झाग जैसे जलीय विलयन में वाटर, तो ये किसकी भांति रिएक्ट करते हैं, कोलोइड, कोलोइड की भांति। और यदि इसी को किस में लिया जाए, अल्कोहल में लिया जाए, अल्कोहल में लिया जाए, तो ये किसकी भांति रिएक्ट करते हैं, क्रिस्टलोइड, क्रिस्टलोइड। तो यहां देखिए हमने दो उदाहरण लिए हैं, NaCl वाटर में क्रिस्टलोइड है परंतु बेंजीन में क्या है, कोलोइड है। साबुन के झाग अगर आपने जल में बनाया है तो कोलोइड है, और अगर आपने अल्कोहल में लिया है तो क्रिस्टलोइड है। तो अब आप मुझे बताइए कि आप NaCl को कोलोइड कहेंगे या क्रिस्टलोइड कहेंगे, आप साबुन के झाग जो बने हैं उनको कोलोइड कहेंगे या क्रिस्टलोइड कहेंगे, तो यहाँ पे आप बताइए मुझे क्या कहेंगे। आपके लिए कहना संभव नहीं है कि इसे कोलोइड कहें या क्रिस्टलोइड, मींस यानी NaCl को आप भिन्न भिन्न विलायकों में जब डिजोल्व करते हैं तो भिन्न भिन्न कोलोइड भी बन सकता है, क्रिस्टलोइड भी बन सकता है। तो क्या हम इंडिविजुअली ये बोल सकते हैं कि NaCl कोलोइड या क्रिस्टलोइड है, नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि डिपेंड कर रहा है कि कंडीशन क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग आगे की रिसर्च में ये कहा गया कि कोलोइड किसी पदार्थ का प्रकार नहीं है, कोलोइड एक पदार्थ नहीं है, वास्तव में पदार्थ की एक कंडीशन है। तो कोलोइड यहाँ पे एक पदार्थ नहीं है, ये प्रूव हो जाता है कि NaCl का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, साबुन के झाग ले सकते हो। तो यहाँ पे आप ये बता सकते हो कि कोलोइड एक पदार्थ नहीं है, पदार्थ की परिस्थिति है, इसी को यहाँ पे प्रूव किया गया है, ठीक है। आगे बात समझ में, ओके। अब आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के मिक्सचर्स हम यहां पे डिस्कस कर सकते हैं। ध्यान दें, सबसे पहले एक बीकर लीजिए, इस बीकर में वाटर लीजिए, क्या लिया आपने, वाटर लिया, सॉल्वेंट ले लिया, ठीक बात है, ओके, बहुत बढ़िया। आपने इसमें सॉल्वेंट ले लिया, इसमें आपने NaCl डिसॉल्व किया, क्या डिसॉल्व किया इसमें, NaCl, ठीक है, ओके। NaCl जब आपने इसमें डिसॉल्व किया, अच्छे से इसमें घोल लिया, तो अब इस सॉल्यूशन में NaCl डिसॉल्व करने के पश्चात जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन में आपने यहां से पार्ट लेके इसको टेस्ट किया, यहां से पार्ट लेके इसको टेस्ट किया, यहाँ से लेके टेस्ट किया, यहाँ से लेके टेस्ट किया, यहाँ से लेके टेस्ट किया, कहीं से भी, क्या इस सॉल्यूशन के टेस्ट में कोई डिफरेंस होगा, क्या क्या लगता है आपको, नहीं होगा। कहीं से भी आप लीजिए, NaCl का टेस्ट आपको सेम मिलेगा, यानी यहाँ पे जो एक मिक्सचर बना है वो कैसा है, होमोजीनस, कैसा सॉल्यूशन बना है, होमोजीनस सॉल्यूशन बना है। और यहाँ पे इसके अलावा एक चीज़ और, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है NaCl के, जो पार्टिकल्स है उनके साइज की अगर अपन बात करें तो उनका साइज यहाँ पे 10^-7 सेंटीमीटर से छोटा होता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स, जो कणों का आकार है वो 10^-7 सेंटीमीटर से छोटा होता है। तो इस प्रकार का जो ये मिक्सचर बना है यहाँ पे, इसे कहते हैं हम ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन यानी कि वास्तविक विलयन, क्या बना है यहाँ पे, वास्तविक विलयन, होमोजीनस का मतलब समांगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे बना है, एक टाइप का मिक्सचर हमने देख लिया, इसको अपन ने डिनोट करा है ट्रू सॉल्यूशन से, क्योंकि यहाँ पे एक तो साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या है, कणों का आकार 10^-7 सेंटीमीटर से छोटा है, समांगी है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, हमने फिर एक बीकर लिया और इस बीकर में हमने ले लिया वाटर अगेन, और इस वाटर में इस बार हमने क्या डाल दी, मिट्टी डाल दी,
सैंड डाल दी, सैंड पार्टिकल्स में डाल दी, इसमें मिट्टी डाल दी हमने, तो मिट्टी क्या होगी, कुछ समय तो इसके अंदर तैरेगी और बाद में एटलीस्ट क्या होगा, पूरी की पूरी मिट्टी कहाँ बैठ जाएगी, पेंदे में बैठ जाएगी। पूरी की पूरी मिट्टी है कहाँ चली जाएगी, पेंदे में बैठ जाएगी, मीन सस्पेंड हो जाएगी। और यहाँ पे जो मिट्टी पेंदे में बैठी है और इस प्रकार से आपने पानी में मिट्टी डाल के जो ये मिक्सचर बनाया है, इस तरह के ये क्या डालिया आपने, सैंड, इसमें क्या था, वाटर। इस प्रकार से जो मिक्सचर बना है, क्या यहाँ पे इसकी जो व्यवस्था है कणों का, जो इसके जो फीचर्स होंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, क्या सभी जगहों पे समान होगी क्या, ये बताइए पहले तो मुझे, जैसे इसमें हुई थी क्या वैसे होगी क्या, नहीं होगी। इसलिए किस तरह का है, हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस मीन्स विषमांगी, क्या है, विषमांगी, फर्स्ट कंडीशन। इसके अलावा इसको नाम क्या देते हैं, इसको कहते हैं सस्पेंशन, सस्पेंशन। सबने देखा होगा पानी में मिट्टी डाल के, पानी में मिट्टी डालते हैं तो क्या होता है, मिट्टी थोड़ी देर तो उसमें तैरती रहती है, एटलीस्ट क्या होती है, मिट्टी पेंदे में बैठ जाती है। तो इस प्रकार से जो मिक्सचर बना इसको क्या नाम दिया हमने, सस्पेंशन यानी निलंबन, निलंबन। और इस निलंबन में जो कणों का साइज है, जो आपने मिलाया इसमें पानी में, जो मिलाया उसकी मैं बात करूँ, उनको अपन लेबल भी करेंगे विशिष्ट नामों से, परंतु अभी यही डिस्कस कर लेते हैं कि जो इसमें आपने डिजोल्व करा है उनके कणों का आकार 10 की पावर माइनस 5 से बड़ा होता है। साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल क्या है, 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या था, साइज ऑफ पार्टिकल 10 की पावर माइनस 7 से छोटा है, यहाँ पे क्या है, 10 की पावर माइनस 5 से बड़ा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर कंडीशन। फिर से हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में पानी डाल दिया हमने, वाटर, वाटर डाल दिया। और अब इस बार हम इसमें मिला रहे हैं, मान लीजिए स्टार्च मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, स्टार्च। स्टार्च जब आप इसमें मिलाएंगे तो जो आपको मिक्सचर प्राप्त होगा, इस मिक्सचर में कणों का साइज, कणों का साइज क्या होगा, साइज ऑफ पार्टिकल क्या होगा, साइज ऑफ पार्टिकल, कणों का आकार 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर से 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर के बीच का होगा, यानी न तो इनके जितना होगा न इनके जितना होगा, इन दोनों के बीच की साइज होगी यहाँ पे स्टार्च के पार्टिकल्स की। तो इसे ही क्या कहा जाता है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना है इसे ही हम क्या कहेंगे, कोलोइड। जो सॉल्यूशन बना है क्या कहेंगे, कोलोइड। मींस कोलोइड कौन है, कोलोइड को कौन एक्सप्लेन करने वाला है, साइज ऑफ पार्टिकल्स। कोलोइड के लिए जो कणों का आकार है वो ये होता है, ध्यान में रखिएगा, 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर से 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर होता है। और जब आप इसमें स्टार्च डिजोल्व करोगे तो क्या बनेगा, कोलोइड सॉल्यूशन यहाँ पे फॉर्म होगा। यहाँ पे इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी जो कंडीशन है, जो कैरेक्टर्स होंगे, क्या सभी जगह पे समान होंगे क्या, यहाँ पे क्या था, कणों का आकार बहुत छोटा था और एकदम अच्छे से पूरा NaCl पूरे में घुला हुआ था, परंतु यहाँ पे क्या होगा, एकदम पूरी जगह पे जो परिस्थितियाँ हैं, कंडीशंस है, वो समान नहीं होगी। इसलिए ये किस तरह का होगा, ये भी हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस, ठीक है ना। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या था, होमोजीनस। कोलोइड भी क्या है, हेट्रोजीनस विषमांगी, और सस्पेंशन भी क्या है, हेट्रोजीनस विषमांगी। ये आप ध्यान रखिएगा कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइड और सस्पेंशन में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपके तीन प्रकार के मिक्सचर यहाँ पे दिए गए, जिसमें हमें डिस्कस करना है कोलोइड। तो सबसे पहले हम इनमें डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं कि इनमें अंतर क्या है, विभेद क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। आगे हम ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइड और सस्पेंशन में डिफरेंस देख लेते हैं कि इनमें अंतर क्या होता है। सबसे पहली बात करें नेचर, नेचर का मतलब क्या, प्रकृति, प्रकृति। तो इनकी प्रकृति कैसी होती है, जो ट्रू सॉल्यूशन है अभी हमने बताया था सारे सभी जगह पे टेस्ट कैसा आ रहा था, सेम आ रहा था, मींस होमोजेनस यानी कि समांगी। कोलोइड की बात करें तो वहां पे सभी जगह पर जो कैरेक्टरिस्टिक है मिक्सचर की वो सेम नहीं है, इसलिए क्या कहा आपने, हेट्रोजीनस यानी कि विषमांगी।
और सेम कंडीशन आपने पानी में मिट्टी मिलाई थी, वहां पे भी क्या है, सभी जगह पर जो यूनिवर्सल नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, सॉरी यूनिवर्सल नहीं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं है, यानी सभी जगह के जो कैरेक्टर्स है वो समान नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, हेटरोजीनस यानी कि विषमांगी। देखिए मैं प्रत्येक का हिंदी वर्ड साथ में आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, ताकि ये यूजफुल हो सके आप लोगों के लिए, इसलिए मैं इंग्लिश वर्ड्स लिखा रहा हूं ताकि आपके अहेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो क्या होगा, विषमांगी। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनस समांगी, कोलोइड क्या है, विषमांगी, और सस्पेंशन भी क्या है, विषमांगी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है नंबर ऑफ फेज, प्रावस्थाओं की संख्या, प्रावस्थाओं की संख्या, प्रावस्थाओं की संख्या। तो यहां देखिए जब ट्रू सॉल्यूशन आप बनाते हैं तो NaCl कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है, पूर्णतया विलयन में घुल चुका है, तो वहां पे जो प्रावस्था है आपको एक ही प्रावस्था मिलेगी। हेटरोजीनस सॉल्यूशन है ये वाला कोलोइड, तो यहाँ पे प्रावस्थाएं कितनी है, दो प्रावस्थाएं हैं, घुल तो गया है परंतु कणों का आकार बड़ा होने के कारण यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, दो प्रावस्थाएं उपस्थित हैं, जबकि सस्पेंशन में तो नौ नहीं है, पानी और मिट्टी अलग अलग दिख रही है, तो कितनी प्रावस्थाएं हैं, दो। साइज ऑफ पार्टिकल्स, कणों का आकार, कणों का आकार, ये क्या होगी, प्रावस्थाओं की संख्या, प्रावस्थाओं की संख्या, कणों का आकार। देखिए ट्रू सॉल्यूशन है तो उसमें कणों का आकार अभी अपन ने पहले डिस्कस कर लिया, कितना होगा, 10^-7 सेंटीमीटर होगा कोलोइड के लिए, इन दोनों के बीच का होगा, यानी 10^-5 सेंटीमीटर टू 10^-7 सेंटीमीटर होगा, और सस्पेंशन के लिए 10^-1 सेंटीमीटर से बड़ा होगा कणों का आकार, ठीक है। फिर हम बात करते हैं विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स, दृश्यता, कणों की दृश्यता, क्या आप कणों को देख सकते हो, यहां पे अगर बात करें ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन को न तो आप डायरेक्टली नेकेड आंखों से, खुली आंखों से देख सकते हो, और ना ही आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो सूक्ष्मदर्शी से, यानी ट्रू सॉल्यूशन में जो प्रावस्था है, आपने जो विलय घोला है, उस विलय को न तो आपकी खुली आंखों से और ना ही माइक्रोस्कोप के द्वारा देखना संभव है, क्योंकि कंप्लीट डिसॉल्व हो चुका है, कणों का आकार बहुत ही छोटा है, जबकि कोलोइड में आप अति सूक्ष्म जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होता है, जो सूक्ष्मदर्शी होता है, उसके द्वारा आप देख सकते हो, बाकी खुली आंखों से आप नहीं देख सकते हो। कणों का आकार कैसा है, ऐसा है कि माइक्रोस्कोप से तो देख सकते हैं पर खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। सस्पेंशन की बात करें, पानी में मिट्टी डाली तो मिट्टी के कणों को क्या कर सकते हो, माइक्रोस्कोप की जरूरत ही नहीं है, आप नेकेड आईज से देख सकते हो, खुली आंखों से देख सकते हो। बात करें गुरुत्वाकर्षण की, नेक्स्ट क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण पे जो इसमें आपने विलय घोला है, ट्रू सॉल्यूशन के विलय पर कोई प्रभाव गुरुत्वाकर्षण का नहीं पड़ेगा, कोलोइड्स पर भी थोड़ा बहुत पड़ता है पर उसको नगण्य, नेग्लेक्ट कर देते हैं, पर नगण्य पड़ता है, जबकि सस्पेंशन पर पड़ता है, मिट्टी आपने घोल ली थी तब तो पानी में तैर रही थी, और धीरे धीरे मिट्टी कहां चलेगी, पिंड में चलेगी, मींस ग्रेविटेशन का यहां पे इफेक्ट पड़ता है। एडसोर्प्शन, अधिशोषण की बात करें, अधिशोषण, तो अधिशोषण ट्रू सॉल्यूशन प्रदर्शित नहीं करता है, कोलोइड मैक्सिमम करता है, क्योंकि यहां पे अधिकतम पृष्ठीय क्षेत्रफल अवेलेबल हो जाता है, जबकि सस्पेंशन के द्वारा एडसोर्प्शन शो नहीं किया जाता है। फिर बात करें फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन बोलते हैं निषेयंदन को, निषेयंदन, निषेयंदन मींस छानना, छानना, क्या आप इसको डायरेक्टली फिल्टर पेपर से छान सकते हो, नहीं छान सकते हो, क्या इसको आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर सकते हो, जो इस विशिष्ट प्रकार का स्पेशल एक फिल्टर पेपर तैयार किया जाता है, क्या उससे इसको ट्रू सॉल्यूशन को छान सकते हो, नहीं छान सकते हो, यानी आप न तो इसका नॉर्मल फिल्ट्रेशन कर सकते हो, न ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर सकते हो, यानी न तो निषेधन किया जा सकता है, न ही सूक्ष्म निषेधन किया जा सकता है, किसका, ट्रू सॉल्यूशन का, वास्तविक विलयन का। जबकि कोलोइड की बात करें तो कोलोइड में आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अति सूक्ष्म निषेधन तो कर सकते हो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, अति सूक्ष्म निषेधन,
इसका आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो कर सकते हो, परंतु नॉर्मल फिल्टर पेपर से आप इसे नहीं छान सकते हो। और जो सस्पेंशन है उसे तो आप नॉर्मल फिल्टर पेपर से ही छान सकते हो, तो नॉर्मल से भी छन जाता है। अगर नॉर्मल से ही छन गया, फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो अति सूक्ष्म निश्चंदन के लिए आपने फिल्टर पेपर तैयार किया है उससे भी इसको छाना जा सकता है। आ रही है बात समझ में? ब्राउनियन मोमेंट, ब्राउनी गति कोलोइडों का एक विशिष्ट करैक्टर है, आगे हम बात करेंगे। तो ब्राउनी गति केवल कोलोइड शो करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन शो नहीं करते हैं। ब्राउनियन मोमेंट है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन शो नहीं करते हैं, केवल कोलोइड शो करते हैं। मैं ब्राउनी गति आपको बता देता हूं यहां पे थोड़ा सा, कि जब एक कोई कमरा है उसमें एक छिद्र से रोशनी आ रही है, बाहर से प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश में उस लाइट में आप देखोगे कि छोटे छोटे जो कण है वो कण लगातार रैंडमली गति करे जा रहे हैं, कर रहे हैं गति, उसी रैंडमली गति को ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनी गति कहा जाता है। इसके बारे में आगे हम फिर स्टडी करेंगे। फिलहाल ध्यान रखिए कि जो लाइट आ रही है उस लाइट में जो धूल के कण है, सैंड पार्टिकल्स है, वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, रैंडमली मूवमेंट कर रहे हैं, यादृच्छिक गति कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। तो कौन शो करेगा, कोलोइड। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा, ये भी कोलोइड ही करेगा, ना तो सस्पेंशन करेगा ना ही ट्रू सॉल्यूशन करेगा। टिंडल इफेक्ट क्या है, सेम कंडीशन, जो अंधेरे कमरे में एक छोटे से छिद्र में से लाइट आ रही है, उस लाइट का पाथ, उस लाइट का जो मार्ग है, प्रकाश का जो मार्ग है वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लाइट का जो पथ है वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उसी को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। कहता है कि जब किसी लाइट को किसी कोलोइड सॉल्यूशन में से प्रवाहित किया जाता है तो लाइट का जो पथ है, कोलोइड में से प्रवाहित किया जाता है तो लाइट का पथ है वो स्पष्ट दिखाई देता है, इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और इसे सबने ऑब्जर्व कर रखा है, अंधेरे कमरे में एक छोटे से छिद्र में से लाइट आ रही थी और लाइट का पथ क्या दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्लियर विजिबल है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की बात करें तो देखिए जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा, एनायन और कैटायन बनेंगे, एनायन कैटायन बनेंगे तो जो आपके इलेक्ट्रोड्स है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एनायन कैटायन क्या करेंगे, ऑपोजिट चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की ओर मूवमेंट करेंगे, यानी माइनस जो नेगेटिव चार्ज जो एनायन है वो एनोड की ओर गमन करेंगे और कैटायन है वो कैथोड की ओर गमन करेंगे, ठीक बात है ना। ऋणायन किधर करेंगे, एनोड की ओर जाएंगे और धनायन कैथोड की ओर जाएंगे, किसमें, ट्रू सॉल्यूशन में। कोलोइड में क्या होगा, देखिए कोलोइड से रिलेटेड एक बात बता दूं, कोलोइडी कणों पर सेम प्रकार का चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, एक ही टाइप का चार्ज होता है, तो एक ही टाइप का चार्ज है, मींस क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो कोलोइडी पार्टिकल्स ऑपोजिट चार्ज्ड, अगर नेगेटिव चार्ज है कोलोइडी कणों पर तो प्लस की ओर जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस की ओर जाएंगे, अपना चार्ज खो देंगे और अवक्षेपित या स्कंदित हो जाएंगे। इस स्कंदन को कहते हैं कोगुलेशन, इंपॉर्टेंट फीचर है, आगे हम बात करेंगे डिटेल में। जबकि सस्पेंशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका तुरंत एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं फेजेज ऑफ कोलोइड, फेजेज ऑफ कोलोइड, कोलोइड की प्रावस्थाएं, फेजेज ऑफ कोलोइड, कोलोइड की प्रावस्थाएं क्या होती है। देखिए जिस प्रकार से हमने सॉल्यूशन की बात करी थी तो सॉल्यूशन में क्या था, कैसे बना था, एक जो प्रावस्था थी, फेज थी, वो सॉल्वेंट थी, दूसरी सल्यूट थी। सल्यूट को आपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, विलेय को विलायक में आपने घोला, तो क्या बन गया था, विलयन बन गया था, सॉल्यूशन बन गया था। उसी प्रकार से कोलोइड में भी आप क्या कर रहे हो, एक जो पदार्थ होगा वो तो आपने रखा होगा और दूसरे को आप इसमें घोलने वाले हो, तो यहाँ पे आप विलायक और विलयन है बोलकर क्या कहेंगे, यहाँ पे आप जो टर्म्स यूज करेंगे फेज ऑफ कोलोइड्स, तो यहां पे फर्स्ट टर्म आप यूज करेंगे डिस्पर्ज फेज, यानी प्रक्षिप्त परिक्षिप्त परावस्था,
परिक्षिप्त परावस्था, और दूसरा आप बोल रहे हो डिस्पर्जन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम। इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, प्रक्षेप्त परावस्था, प्रक्षेपण माध्यम आपके पास में ये बीकर है, इस बीकर में मैंने भरा है प्रक्षेपण माध्यम, डिस्पर्जन फेज, क्या भरा है, डिस्पर्जन मीडियम, सॉरी डिस्पर्जन मीडियम मैंने इस बीकर में भर रखा है, और इसमें अब मैं मिलाने जा रहा हूं डिस्पर्ज फेज। इसमें क्या था, डिस्पर्जन मीडियम, मिला क्या रहा हूं डिस्पर्ज फेज, डिस्पर्जन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त परावस्था, ठीक है। इसमें हम डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्ज फेज मिलाने जा रहे हैं। अगर ये विलयन होता, ट्रू सॉल्यूशन होता, तो हम इसे क्या कहते, विलायक सॉल्वेंट, और इसे क्या कहते, सल्यूट। पर ये क्या बनने वाला है, कोलोइडी विलयन बनने वाला है। तो कहने का मतलब है कि जो विलयन में सॉल्वेंट होता है, उस सॉल्वेंट के इक्विवेलेंट यहां पे कौन होगा, परिक्षेपण माध्यम। सॉल्वेंट कौन था, जो अधिक था, जिसकी मात्रा अधिक थी उसको आपने क्या कहा था, सॉल्वेंट। तो यहां पे जो कोलोइड में जो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा उसको आप क्या कहोगे, परिक्षेपण माध्यम। सॉल्यूशन में आपने जो कम था उसको क्या कहा था, सल्यूट। तो यहां पे कम है उसको आप क्या कहोगे, डिस्पर्ज फेज। यानी डिस्पर्ज फेज प्रक्षिप्त परावस्था विलयन के सॉल्यूट के इक्विवेलेंट होती है। ध्यान रखिएगा, डिस्पर्जन मीडियम प्रक्षेपण माध्यम किसके संगत है, विलायक, किसके संगत है, विलायक के संगत, और डिस्पर्ज फेज किसके संगत है, विलय के संगत होती है। ये आपने ध्यान रखना है कोलोइड के मैटर में। डिस्पर्जन मीडियम, मीडियम माध्यम, मीडियम क्या है, माध्यम। तो माध्यम क्या होगा, वो जो घुलने वाला है, जो अधिक क्वांटिटी में, वो कौन है, माध्यम है, और जो घुल रहा है वो कौन है, परावस्था है। प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षिप्त परावस्था, जो प्रक्षिप्त परावस्था को घुलेगा वह है प्रक्षेपण माध्यम, जो प्रक्षेपण माध्यम में घुलेगा वह है प्रक्षिप्त परावस्था, जो अधिक है वह है प्रक्षेपण माध्यम, और जो कम है वह है प्रक्षिप्त परावस्था। इसी प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर जनरली दो चार जो अपने कोलोइड्स हैं उनको लेबल किया गया है, जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखिए। यदि डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम मीन्स परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम क्या हो, जल, तो बनने वाले सोल को क्या कहेंगे, हाइड्रोसोल। क्या नाम दोगे, हाइड्रोसोल। यदि प्रक्षेपण माध्यम हो बेंजीन, तो क्या कहोगे, बेंजोसोल। यदि प्रक्षेपण माध्यम हो अल्कोहल, तो क्या कहोगे, जो कोलोइड बनेगा उसको, अल्कोसोल। और यदि प्रक्षेपण माध्यम हो वायु या बोले गैस, तो क्या बोलोगे, एरोसोल। ठीक है, तो हाइड्रोसोल क्या होगा, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम जल हो, वाटर हो। बेंजोसोल क्या होगा, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम बेंजीन हो। अल्कोसोल क्या होगा, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम अल्कोहल हो। और एरोसोल क्या होगा, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम वायु हो, गैस हो। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोसोल नाम आते ही क्या सोच लोगे कि डिस्पर्जन मीडियम कौन है, वाटर।
बेंजोसोल में क्या कहोगे, डिस्पर्जन मीडियम है बेंजीन, और एल्कोसोल में क्या कहोगे, डिस्पर्जन मीडियम है एल्कोहल, और एरोसोल में क्या कहोगे, डिस्पर्जन मीडियम है वायु। तो इसी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, आगे हम बात करेंगे कोलोइड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं कि भौतिक प्रावस्था किसकी, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्ज फेज, यानी प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक प्रावस्था, फिजिकल स्टेट के आधार पर कोलोइड कितने प्रकार के हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने इस तरफ क्या ले लिया, डिस्पर्जन मीडियम यानी कि परिक्षेपण माध्यम, और यहां पे क्या ले लिया हमने, डिस्पर्ज फेज यानी प्रक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डिस्पर्जन मीडियम अपन सेट कर देते हैं, यानी पहले गैस ले लेंगे, फिर लिक्विड ले लेंगे, फिर ठोस ले लेंगे, सॉलिड देंगे ले लेंगे। ठीक है, गैस लिक्विड और सॉलिड। सबसे पहले हमने क्या लिया है, गैस लिया है। प्रक्षेपण माध्यम कौन है, गैस। प्रक्षिप्त प्रावस्था कौन है, लिक्विड। एक चीज यहां पे मैं आपको बता दूं कि गैस का गैस में कोलोइड नहीं बनता है, गैस प्रक्षेपण माध्यम हो और गैस ही प्रक्षिप्त प्रावस्था हो तो इस प्रकार का कोलोइड नहीं बनता है। तो यहां पे सबसे पहले प्रक्षेपण माध्यम कौन है, गैस, और प्रक्षिप्त प्रावस्था कौन है, लिक्विड। तो यहां पे जो गैस और लिक्विड को मिलाने पे, किसमें क्या मिला है, गैस में आपने लिक्विड मिलाया है, गैस में लिक्विड, यानी गैस कौन है, प्रक्षेपण माध्यम, और लिक्विड क्या है, प्रक्षिप्त प्रावस्था। तो यहाँ पे जो स्पेशल नेम इसे देंगे वो आप यहाँ पे क्या देंगे, लिक्विड एरोसोल, द्रव एरोसोल। क्यों, अपन ने अभी बताया था कि यदि प्रक्षेपण माध्यम गैस हो तो क्या कहते हैं, एरोसोल। क्या मिला है इसमें, लिक्विड मिला है, इसलिए क्या बोल दिया, लिक्विड एरोसोल। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कोहरा और बादल। ठीक है, फिर नेक्स्ट गैस ही है, गैस में हम क्या मिला रहे हैं, सॉलिड मिला रहे हैं। पहले हमने क्या मिलाया था, लिक्विड मिलाया था, अब हम क्या मिला रहे हैं, सॉलिड मिला रहे हैं। तो सॉलिड मिलाया तो नाम भी क्या दे दिया, भाई ये लिक्विड एरोसोल था तो इसे क्या कहोगे, सॉलिड एरोसोल। सॉलिड एरोसोल हम हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में क्या देखते हैं, धुआं आंधी, तो धुआं आंधी में क्या है, गैस है, गैस में क्या है, सॉलिड है, तो इसलिए क्या कह देंगे इसे आप, सॉलिड एरोसोल। ठीक है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट हम जो फिजिकल फेज ले रहे हैं डिस्पर्जन मीडियम की, वह है लिक्विड। ये देखिए तीनों हमने क्या ले रखी, यहाँ पे क्या ली थी, गैस, पहले गैस में लिक्विड मिलाया, फिर गैस में सॉलिड मिलाया। ये नाम ध्यान में रखिएगा भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एरोसोल, एरोसोल नाम आते ही प्रक्षिप्त प्रावस्था कौन सी है वो तो हम डिसाइड करेंगे, प्रक्षेपण माध्यम कौन है, गैस। एरोसोल प्रक्षेपण माध्यम गैस है, और प्रक्षिप्त प्रावस्था यदि लिक्विड है, द्रव है, तो लिक्विड एरोसोल, सॉलिड है तो सॉलिड एरोसोल। फिर देखिए हमने क्या ले लिया, लिक्विड, लिक्विड में क्या मिला रहे हैं, गैस, लिक्विड में गैस मिला रहे हैं तो यहां पे क्या बनेगा, फोम बनेगा। लिक्विड में गैस मिलाया, क्या बनेगा, फोम का निर्माण होगा। कहां कहां देखते हैं अपन, किसमें क्या मिला रहे, लिक्विड में गैस। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोडा वाटर, सोडा वाटर में CO2 होती है डिजोल्व हुई हुई, तो सोडा वाटर पूरा का पूरा क्या था, वाटर, उसमें आपने क्या डिजोल्व कर रखी है, गैस डिजोल्व कर रखी है, तो लिक्विड में गैस डिजोल्व है क्या कहोगे, फोम। इसके अलावा साबुन, साबुन के झाग देखे आपने, तो झाग बनते हैं, झाग किससे बनते हैं, द्रव और गैस से, द्रव और गैस से, तो दोनों इसके एग्जाम्पल होंगे, साबुन और सोडा वाटर के झाग, साबुन का विलयन और सोडा वाटर के झाग, ये ध्यान रखिएगा भाई फोम क्या है। फिर गैस मिला दिया, अब क्या मिला है, लिक्विड में लिक्विड, लिक्विड में लिक्विड मिलाया, क्या बना, इमल्सन। इसी इमल्सन को पायस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पायस क्या है, द्रव में द्रव का कोलोइड, इसे पायस नाम दिया गया है। पायस कहाँ कहाँ, दूध पायस है, दवाइयाँ पायस होती हैं, और तेल जल का मिश्रण, तेल और जल का जो मिक्सचर बनाया जाता है वो भी इमल्सन या पायस होता है, क्योंकि दोनों ही क्या है, लिक्विड है। नेक्स्ट लिक्विड मिला दिया, आगे हम क्या मिलाने वाले हैं, सॉलिड। लिक्विड में सॉलिड मिलाने वाले हैं, यदि प्रक्षेपण माध्यम द्रव हो, प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो, तो यहां पे जो कोलोइड बनता है उसे क्या कहते हैं, सोल। ठोस में, द्रव में ठोस मिलाने पर आपके पास द्रव उपलब्ध है, यानी द्रव ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में मीन्स द्रव क्या है, डिस्पर्जन मीडियम, आप उसमें क्या मिला रहे हो, ठोस मिला रहे हो, यानी ठोस क्या है, डिस्पर्ज फेज, प्रक्षिप्त प्रावस्था, तो यहां पे जो कोलोइड बनेगा उसे आप क्या कहोगे, सोल।
सोल क्या होता है, सोने का सोल, स्टार्च, पेंट जो दीवारों पे किया जाता है, गोंद हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल होंगे। फिर हम क्या ले रहे हैं, नेक्स्ट ले रहे हैं हम सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड ले रहे हैं। सॉलिड में सबसे पहले क्या मिला रहे हैं, गैस, तो सॉलिड में गैस मिलाने पर क्या बनेगा, सॉलिड फोम। यहां पे केवल क्या बोला था हमने, फोम, जब द्रव में गैस मिलाया था तो क्या बोला था, फोम। अब हम क्या मिला रहे हैं, ठोस में गैस की बात कर रहे हैं तो क्या कह दिया, सॉलिड फोम। सॉलिड फोम, केक, बर्थडे पे केक सबने काटा आपने, उसमें क्या होता है, पूरा का पूरा ठोस होता है, पर बीच बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं ना, तो ठोस वहां पे ज्यादा है, गैस क्या है, कम है, तो ठोस क्या हो गया, डिस्पर्जन मीडियम, और गैस क्या हो गई, डिस्पर्ज फेस। ठीक है, सूखे समुद्री जहाज, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट, सॉलिड में आप क्या मिला रहे हो, लिक्विड, सॉलिड में लिक्विड, बालों में जेल तो सबने लगाया होगा, बालों में जो जेल लगाते हो वो कैसा होता है, लिक्विड फेज में होता है, सॉलिड फेज में होता है, सॉलिड होता है पर इतना भी कठोर नहीं होता, लिक्विड भी होता है। आपसे पूछे ज्यादा क्या है, तो आप कहोगे अधिक उसमें सॉलिड है, अधिक उसमें सॉलिड है, कम क्या है, लिक्विड, जेल, याद रख लेना, बालों में लगाने वाला जेल, सोल, दीवारों पर किया जाने वाला पेंट, पेंट में ज्यादा क्या है, लिक्विड, जेल में ज्यादा क्या है, सॉलिड। ये ध्यान रखेंगे आप, इस प्रकार से सोल और जेल इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको पूछ ले, सोल में प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षेप्रावस्था कौन है, तो सोल नाम आते कह देना पेंट, पेंट में ज्यादा कौन है, जल यानी द्रव, सॉरी द्रव, तो द्रव क्या है, प्रक्षेपण माध्यम, और ठोस क्या होगा, प्रक्षिप्त प्रावस्था। जेल नाम आते ही बालों में लगाने वाला जेल, ज्यादा क्या है, ठोस, कम क्या है, द्रव, तो ठोस क्या हो जाएगा, प्रक्षेपण माध्यम, और द्रव क्या हो जाएगा, प्रक्षिप्त प्रावस्था। फिर हम बात करते हैं सॉलिड, सॉलिड दोनों ही सॉलिड है, प्रक्षेपण माध्यम भी ठोस है और प्रक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस है, यानी डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है और डिस्पर्ज फेज भी सॉलिड है, तो इसे क्या कहेंगे, सॉलिड सोल। कहां देखते हैं, जितने भी आपके ओर होते हैं, और ही होती है, रूबी हो गए, रत्न हो गए, वो सारे के सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो गाइज इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, इसके आगे की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन अहेड डिस्कस करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ, याद करते रहिए, रिपीट करते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें बताइए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।